गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर चल रही है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का पूरा दिन व्लॉग। आज है 2 जनवरी एंड अभी टाइम 11 के ऐसा कुछ बजा होगा और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया था हम लोगों का एंड उसके बाद में ये सब कर रही थी। तो ये मैं एलोवेरा जेल का जो ऊपर का छिलका नहीं होता उसका लेयर वो निकाल रही थी। इसका हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी विंटर डेली रूटीन, तो शेयर करूंगी कैसा हुआ क्या हुआ। तो 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँ, 2 से 2 जनवरी एंड 3 जनवरी का। इसमें हम लोग पहले बनाएंगे विंटर का एक हेयर केयर बनाएंगे, हेयर मास्क एंड एक फेस पैक। इसके रिलेटेड नहीं है वो फेस पैक, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ एंड मैं आज ये लगाने ही वाली थी, इसी के लिए मैंने व्लॉग में इंक्लूड कर लिया। ऐसा कोई सोचा नहीं था कि आज के लिए व्लॉग के लिए कुछ बनाते हैं, ऐसा नहीं था। थोड़ा सा टाइम था आज मेरे पास एंड ऊपर से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा ना मेरा माइग्रेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा था तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर रही थी, ये भी ले लो एक चीज़। तो यहाँ पे मेरा जो एलोवेरा का मैंने ये ले लिया है, जेल मत यूज़ करना, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है जो पैकेट वाला आता है मार्केट में। ऐसा अगर एलोवेरा का जैसे पौधा होता है ना वही यूज़ करना। ये मेथी एंड आंवला को रात में भिगो के रखा हुआ था एंड उसका एक पेस्ट हम लोगों ने बना लिया, एक थिक सा पेस्ट बनाना, ताकि अगर आप चाहो तो इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, 2 से 3 दिन रख सकते हो, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। विंटर है, अगर बाहर भी रख दो ना तो भी ख़राब नहीं होता। फिर जब आपको यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मास्क की तरह एक बनाना है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। दही घर पे नहीं था, ये अवेलेबल था यहाँ पे, तो मम्मी ने ये दिया है एंड मैं अभी मेरे इन लॉज के यहाँ पे हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है मैं कहाँ पे होती हूँ क्या होती हूँ, तो इतना सा पेस्ट मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो इससे आधा मैं आज यूज़ करूँगी और आधा मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो एलोवेरा जेल भी मैंने इतना ही लिया है, इससे इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपको चाहिए दही ऐड कर सकते हो, अगर डैंड्रफ है लेमन ऐड कर सकते हो, नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो ये डैंड्रफ के लिए, ड्राई हेयर के लिए एंड विंटर के लिए स्पेशली, हेयर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहो तो छिलके के साथ भी ग्राइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे ऐसे चाहिए था। तो इन दोनों को मिला के ना मैंने यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया है एंड ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगा इसका। आपको नॉर्मली बालों में तेल नहीं होता है ना जब, उस वक्त लगाना है बालों में तेल लगा के फिर आपको शैम्पू करना है ना, तो वैसे मत करना। तो जिस दिन आपको तेल नहीं लगाना है या फिर अगर अगर तेल लगाया है तो देख लो कि बहुत कम है वैसे में लगाना, तो इसका ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने, अगर कोई मेरे व्लॉग बहुत पहले से देख रहे होगे ना उनको पता होगा, मैंने कुछ ही मैंने पहले कलर किया था, कुछ महीने क्या यार 8-9 महीने हो गया होगा ना, जब नया नया मैंने घर शिफ्ट किया था चेन्नई में। हाँ यार, अब तो चेन्नई के घर की भी मुझे याद आने लगी है। आपको याद आ रही क्या मेरी चेन्नई घर की, बताना मुझे, ठीक है। तो वो मैंने कैसे स्कैल्प में एकदम लगा लिया था ऊपर सिर के, अभी वो नीचे नीचे आ रहे हैं, मतलब मेरे बालों का लंबाई बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यही और कुछ नहीं। तो ये जो पैक है आपको पहले से स्कैल्प में लगाना है अच्छे तरीके से। स्कैल्प में इसी के लिए क्योंकि देखो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या फिर इचीनेस होता है किसी को, या फिर विंटर में हम हमारे रूट्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कोई भी हेयर मास्क लगाओ, सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान अपने स्कैल्प में देना, बालों के रूट में देना, क्योंकि वहीं से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बहुत सारे दुनिया भर की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। आप कितने भी बाहर के प्रोडक्ट लगा लो, मैं बहुत प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में हो सके हफ्ते में एक बार ऐसे होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करना। अगर हफ्ते में 2 बार बाल वॉश कर रहे हो ना, हेयर वॉश कर रहे हो, तो एक बार आप लोग इसमें ज़रूर ये देखना कि होम रेमेडी को इंक्लूड कर रहे हो हेयर मास्क में। अगर टाइम नहीं होता तब ठीक है, अभी तो वैसे भी घर पे ही है बहुत लोग, तो थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। स्कैल्प पे लगाना, रूट पे लगाना, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बाल लेके ना अपने पूरे बाल में, जैसे हम लोग ऐसे मसाज करते हैं कोई भी क्रीम होता है ना हेयर मास्क को, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। इसी के लिए ज़्यादा पानी पानी मत बनाना इस पेस्ट को, नहीं तो फिर क्या पूरा ऐसे बाल में स्टिक नहीं होगा अच्छे से, क्रीमी जैसे नहीं होता मास्क का टेक्स्चर, सेम उसी तरीके से आपको रखना है। आप तो पेस्ट बना लोगे ना जो एलोवेरा मिला के, तो वही क्रीम की तरह ही आपको फिर वो लगेगा, फिर अच्छे से बालों में लग जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यार, देखो हेयर फॉल नहीं होता, एक तो बालों में शाइन आती है, विंटर में जैसे डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ड्राई हेयर की प्रॉब्लम होती है, वैसा नहीं होगा। कलर ट्रीटेड हेयर के लिए भी कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मेरा बाल भी तो कलर ही किया हुआ है ना, तो इसी के लिए तो मैं स्मूथनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं इस टाइम दोबारा से स्मूथनिंग कर लूँगी ना तो मेरे बालों की बैंड बच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैंड बजाया हुआ है एक बार स्मूथनिंग करके फिर कलर करके। तो करूँगी स्मूथनिंग लेकिन अभी नहीं करूँगी, थोड़ा और कुछ महीना जाने दो फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने अप्लाई करके उसको एक जूड़ा की तरह मैंने बांध के रख दिया है, ताकि 1 घंटा आप इसको रखना है। अगर किसी को ठंड की प्रॉब्लम होती है, जैसे विंटर है तो ज़्यादा देर तक ठंड भी लग सकती है, तो एटलीस्ट 20-25 मिनट तो रखना है यार, अगर लगा ही रहे हो तो। देख लेना अगर ज़्यादा किसी को ठंड वंड की प्रॉब्लम है, सर्दी साइनस वगैरह हो तो अवॉइड करना इसको, नहीं तो फिर ठंड आपको लग जाएगा। मुझे तो माइग्रेन गर्मी की वजह से हो जाता है सिर पे, तो मैं लगाती हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, इससे सिर ठंडा होता है। विंट समर्स के लिए तो ठीक है, अगर किसी को मेरी तरह है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे साइनस वगैरह ध्यान रख लेना, पूछ लेना अगर किसी को, पूछ सकते हो घर में बड़ों को कि लगा सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना था साइनस ठंड की वजह से और भी बढ़ जाता है। तो इसको 20 से 25 मिनट रखने के लिए छोड़ दिया। तो चलो उसमें हमारे स्किन के लिए भी थोड़ा सा कर लेते हैं, आज कुछ कर ही रहे हैं तो पूरा स्पा ही खोल लेते हैं घर पे। तो कच्चा दूध मैंने लिया है, थोड़ा सा घर का ही सामान है, बेसन लिया है 2 चम्मच, एक यहाँ पे जो छोटे चम्मच, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ऑरेंज पाउडर लिया है, ऑरेंज पाउडर जो छिलका का पाउडर, इसका हमने मैंने घर पे ही बनाया हुआ था ये, मैं मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी, चेन्नई में मैंने रखा हुआ है इसको थोड़ा सा। ये कैसे बनाना है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी दोबारा, अभी मैं सारे छिलके इकट्ठे कर रही हूँ दोबारा से, इस घर के उस घर के दोनों मायके ससुराल के जो ऑरेंज वाले, उसको मैं बना के एकदम से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो अच्छा अच्छे से बन जाता है। फिर इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब हनी ऐड करा है, हनी इसी के लिए हमने ऐड करा क्योंकि फेस पैक लगाओ विंटर में ना तो स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, खिंचा खिंचा सा हो जाता है, तो इसी के लिए हनी मॉइस्चराइज करेगा दूध, इसी के लिए कच्चा दूध के ब्राइटन करेगा थोड़ा सा, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह को थोड़ा सा हटाएगा। बेसन, ऑरेंज पाउडर, ये सब आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इंस्टेंट ग्लो भी लगेगा, थोड़ा सा स्क्रब की तरह भी ये काम करेगा जो हमारा ऑरेंज पाउडर है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया। साथ ही साथ बॉडी के लिए चलो अभी ग्रीन टी मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है पीना, एंड आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाना खाने के 45-50 मिनट के बाद ही खाना, हाँ ये भी है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने जैसे बोला कि ख़त्म हो गया था, तो साइड में ग्रीन टी भी रेडी हो गया। पहले तो थोड़ा ना कच्चा दूध मैंने लिया है पहले, एंड एक कॉटन में लेके पहले क्लींजर की तरह इसको पूरे फेस में, जो भी क्योंकि फेस वॉश नहीं किया है मैंने यहाँ पे, अगर आप फेस वॉश भी करते हो ना तो भी थोड़ा सा कॉटन पैड में लेके अपने पूरे फेस में थोड़ा सा पहले इसको लगा लेना, ताकि अच्छे से स्किन हमारा क्लींस हो जाएगा। एंड ये नॉर्मल हर दिन आप लोग कर सकते हो, माही केज के अगर बच्चे हैं ना तो भी उनको आप लोग ऐसे दूध, कच्चे दूध से फेस, हैंड, नेक, ये सब कुछ आप लोग थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, बच्चों का स्किन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, हमारा भी बहुत ब्राइट होता है स्किन। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था, आप चाहो तो कोई भी जो हमारा ब्रश होता है उसके साथ भी लगा सकते हो, पर यहाँ पे मुझे ब्रश नहीं मिला, मम्मी के पास होता था पर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को वो सब वो नहीं लगाती है कभी भी, तो यहाँ पे नहीं है, मैं लाना भी भूल गई थी। चलो यार कोई बात नहीं, घर पे वैसे भी बहुत सारे लोग लगाते ही होंगे, क्या इतना ज़्यादा अभी फैंसी करके दिखाएं आपको। तो यहाँ पे लगा दिया, इसको भी आपको 10 मिनट रखना, ज़्यादा नहीं रखना, 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। एंड उसके बाद ना जब आप इसको वॉश करोगे, डायरेक्टली वॉश मत करना, पहले अच्छा सा गीला करना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे पानी ही यूज़ कर रही हूँ, एक मेरा टोनर का बॉटल ख़त्म हो गया था तो उसमें मैं पानी भर के रखा हुआ है। पानी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गीला करना फेस को, फिर हल्का सा जैसे हम लोग ऐसे स्क्रब करते हैं ना उस डायरेक्शन में आप लोग स्क्रब करना। तो जैसे विंटर में ज़्यादातर हम लोग पानी में नहीं लगते फेस पे लगाते, तो उस वजह से एक जो डर्ट होता है या फिर ब्लैक हेड्स, ये सब की जो एक परत की तरह हमारे स्किन में हो जाती है डेड स्किन सेल्स की, वो फिर हमारे फेस से धीरे धीरे क्लीन होगा। एंड इसको देख रहे हो मैडम को, इसके बाल भी बड़े लंबे हो रहे हैं, धीरे धीरे 2 चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये स्क्रब के बाद स्किन, कोई फिल्टर नहीं है, मेरे स्किन में अभी भी थोड़े बहुत स्पॉट्स है, जो कि पिंपल्स बहुत हो गए थे ना अभी वो रिड्यूस हो रहे हैं, इसी के लिए मैंने आपको दिखाया कि कैसे काम करता है धीरे धीरे, रातों रात कुछ नहीं होता है, फिर तुरंत गायब कभी नहीं होता, पिंपल्स होगा तो स्पॉट होगा, फिर आपको उसको स्किन केयर वगैरह करोगे तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। फिर फेस वॉश के बाद मैंने यहाँ पे ना आइस क्यूब में
आज सुबह मैंने क्या किया था, जो रोज़ वाटर का मैंने ऐसे आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो वो आइस क्यूब को या फिर आप नॉर्मल भी लगा सकते हो या फिर कोई भी टोनर अगर आपके पास है वो ले लेना, उसको आप लोग रब करना तो वो टोनर का भी काम कर लेगा। तो फिर चलो ये हो गया स्किन केयर। मैं बालों को वॉश करके आपको अभी नहीं दिखा रही, मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद ना कोई भी मास्क लगाओ उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर फॉलो करना। हमें जाना है मार्केट, तो चलिए तैयार होते हैं, चलते। ये हम लोग आए हैं यहाँ पे एक फर्नीचर लेने के लिए, नए साल में फर्नीचर मेरे इन-लॉज के घर पे, वहाँ पे मैं मम्मी मम्मी बोलती हूँ ना तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग अगर कोई पहली बार मुझे देख रहा है, तो इसी के लिए मैं इन-लॉज बोल रही हूँ। तो कुछ माइंड मत करना इस बार के इन-लॉज क्यों बोल रहे हो, तो मम्मी मम्मी दोनों ही है, पर आप लोग दोनों मायका ससुराल जैसे कि मेरा इकट्ठा है, तो इसी के लिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि कहाँ पर हूँ क्या। ये सारे कर्टन्स मैं दिखा रही थी आपको यार, इतने अच्छे लग रहे थे ना मेरे को, एंड यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े विंडो नहीं है दोनों घरों में, कहीं पे भी नहीं है, तो लगाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर छोटे थे, लेकिन छोटे में भी वैसे नहीं आया कुछ मुझे, विंडोज़ के लिए ही थे, यहाँ पे यहाँ के डोर्स के लिए वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वैसे कर्टन्स के लिए तो नहीं गए थे हम लोग, ऐसे सोफ़ा का हम बेड कुछ लेना था, या तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि दीवान का कुछ ले ले तो फिर अच्छा लगेगा। तो एक हमने देखा सोफ़ा सेट वगैरह नहीं लेना था, तो दीवान का इस वाले शॉप से हमें कुछ नहीं मिला, फिर हमने दोबारा एक शॉप से लिया था एंड वहाँ पर हमने फाइनल भी कर लिया था एक। पर यहाँ पे ना एक सोफ़ा कम बेड का वो दिखा रहे थे हमको, पर जैसे ड्रॉअर वाला नहीं होता वो तो चलो अच्छा भी होता है, हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो था वो उतना ज़्यादा खास नहीं लगा उसको। बार बार अगर आपको ड्रॉअर की तरह जो होता है कुछ कुछ ना, तो वो तो ठीक रहता है, पर यहाँ पे जो ये वाला मॉडल का था, इसको क्या करना है ना, अगर आपको इसको बेड की तरह कन्वर्ट करना होता है तो वो भैया दिखाएंगे, देखो अभी उसको एकदम से आपको इसको उठाना पड़ेगा, उठा के फिर जाके आपको इसको टर्न कर करके करके करना पड़ेगा। पर पता नहीं ना अभी मम्मी पापा इतना, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, कमर में भी होता है पेन, इतना ऊपर उसको उठाओ इतना, इसी के लिए फिर ये वाला ऑप्शन हमने ड्रॉप कर लिया। फिर हमने सोचा कि नहीं चलो कोई दीवान की सेट ले लेते हैं, तो हमने वो फाइनलाइज दूसरे दुकान से कर लिया था। फिर हम लोग आ गए थे घर, एंड उस दिन मैंने और कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा माइग्रेन स्टार्ट हो रहा था, पता नहीं क्यों यार मेरा माइग्रेन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे बहुत हो गया, पता नहीं मे बी ठंड की वजह से, अभी हेयर पैक की वजह से कुछ नहीं हुआ था वो मुझे पता है। एंड 3 जनवरी था, सुबह का टाइम था, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना था। इस जो पहला वाला रूम था ना, ये नीचे घर पे ना उतना धूप नहीं आता है, तो हम लोग ऊपर ही चले जाते हैं छत के ऊपर, एंड यहाँ पे सुबह सुबह माँ को लॉलीपॉप देना तो नहीं चाहिए, पर जैसे होता है ना कि नाना नानी के घर आना, दादा दादी के घर जाना, उसको डांटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो सुनती नहीं है यहाँ पे। तो सुबह सुबह एंड उसके लिए मैं यहाँ पे जो भी ऑयल वहाँ पे यूज़ कर रही थी ना, मम्मी वो ऑयल यूज़ करती है, तो वहाँ पे उस घर में तो मायके में वो हो जाता है, पर यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ उसके बालों के लिए, अगर कोई जानना चाहते हो तो। मम्मी से मैंने एक बार दिखाया था आपको हेयर ऑयल का ऑप्शन, अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा तो वैसे आप लोग बना के बच्चों को भी लगा सकते हो, अगर हो सकता है तो वो वाला व्लॉग का मैं लिंक आपको दे दूँगी। एंड यहाँ पर एज़ यूज़ुअल लैपटॉप के सामने कुछ काम बहुत लोगों को होता है कि आपके हस्बैंड लैपटॉप के सामने करते क्या हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ वो क्या जॉब करते हैं क्या करते हैं। तो फिर चलिए सीधा हम लोग यहाँ से चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला डोसा, तो सुबह सुबह आलू मैंने ना बॉईल करके मसाला बना लिया था, एंड ये चटनी मैंने बहुत बार शेयर किया यार चने में आपके साथ, टमाटर प्याज फिर जो चना दाल फिर सूखी जो क्या वो मिर्ची, ये सब कुछ डाल के जैसे बनाते हैं, तो वही मैं दोबारा से बना रही थी यहाँ पे। उसको फ्राई कर लिया था, ठंडा करने के लिए छोड़ा हुआ था, एंड ये बैटर हमने रेडी करके रखा हुआ था कल रात से, तो ज़्यादा ठंड की वजह से ना ज़्यादा फर्मेंट भी नहीं होता, दो आपने पूरा रात भी रख लो, पर जो गर्मी वाले सीजन में ना तो बड़े जल्दी हो जाते हैं वैसे। एंड ये डोसा मसाला मैंने बना के रखा हुआ था आलू का, आप चाहो तो प्लेन भी बना सकते हो, रवा डोसा भी बना सकते हो आप लोग, अगर आपके पास बैटर बना के रखना नहीं होता पॉसिबल तो रवा डोसा भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है चेन्नई में, तो आप लोग वो पिछले का व्लॉग भी देख सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो रहा था तो मैंने इसमें पानी ऐड करा, क्योंकि नहीं तो बहुत पतला क्रिस्प होकर नहीं निकलेगा, अगर मोटा बना दिया ना डोसा तो मसाला डोसा में अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं माही के लिए बना रही हूँ, माही के लिए तो मसाला डोसा नहीं बनाऊँगी, उसको उतना नहीं होता,
वो आलू अलग से लेती है, फिर डोसा उसको अलग लेना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले ही बना के दे देती हूँ। जब पहले बना के देती हूँ एंड खा के वो सबसे लास्ट से भी लास्ट उठती है, वो भी खा ले खा ले खा ले। ओ गॉड, बोलो मत बच्चों के साथ, पता नहीं मैं ही ऐसे प्रॉब्लम में होता है कि आप ही अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे हो खाने पीने का, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चटनी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पीस लिया है एंड मेरा डोसा अभी मसाला डोसा बनेगा। पापा को मेरे हाथ के डोसा बहुत पसंद है, मतलब मेरे यहाँ पे ससुर जी को, मेरे फादर इन लॉ को। तो डोसा मैंने बना दिया एक पतला सा, उसके बाद यहाँ पे जो आलू का मसाला रेडी किया था उसको हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे रख मत देना, थोड़ा सा स्पैचुला लगा के ना इसको ऐसे स्प्रेड करने की कोशिश करना चारों तरफ, तो जब आप खाओगे ना डोसे के साथ तो उसी के साथ फिर वो आएगा एंड अच्छा लगेगा। छोटा जैसे तवा जैसा होता है तो डोसा आप उतना बड़ा सा बना सकते हो, पर निकालते टाइम यहाँ पे देखो आपको दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो गया, पर इतना। हाय गाइस, कैसे हो सारे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये देखो मुझे अभी अभी दिख रहा है, ये है आपके हस्बैंड, क्या जॉब करते हैं आपके हस्बैंड, क्या जॉब करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ये जॉब करते हैं, यह है सी ए महेंद्रनाथ त्रिपाठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्रनाथ त्रिपाठी। आई होप अब सबको लगा होगा कि वो क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा था कि मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब को मैं कैसे डिफाइन करूँ मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग को आई थिंक नहीं पता होगा, बार बार पूछते कि क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे नहीं समझ आता मैं कैसे बताऊँ उन लोगों को, समझाओ। आज है 3 तारीख, कल 2 तारीख था एंड कल मुझे 2 जनवरी 1 से रात से मेरे को इतनी ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेन फिर से स्टार्ट हुआ था ना, पता नहीं ठंड के वजह से शायद हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लास्ट 1 साल बिल्कुल भी नहीं था एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे इतनी बार आ गई ना माइग्रेन के अटैक, जनवरी नाइट से हुआ। तो कल मम्मी ने मुझे यहाँ पे क्या कोई एक मेडिसिन दिया एंड कुछ कुछ यहाँ पर लगाया तो ठीक है जाके, इसी के लिए कल मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था मैंने, सिर्फ क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था बात को, इतना टाइट हो रहा, अभी भी ये साइड में थोड़ी थोड़ी आँख के पास है ना यहाँ पे है, तो वही मम्मी बोलते कि कल तो कुछ नहीं हो पाया, देख ले अभी थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। तो आज है 3 तारीख एंड सुबह पापा जा रहे हैं अभी बाहर, यही इसी के लिए गए हैं, गाड़ी के साउंड से वाइन सुनाई दे रहा होगा, तो पापा स्टार्ट हो गए, मैं स्कूटी लेकर आई थी ना तो स्कूटी से, एंड माही बाहर है धूप ले रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 हुआ है और इतनी ठंड है ना यार, ये ठंड की वजह से ना ये पूरा ऐसा होता है भारी भारी जैसे नहीं हो जाता सर। एंड एक और चीज़ किसने मुझे बोला था कि मोना दिया मोना बुरा मत बना, आप ना मोटी लग रहे हो यार, हाँ मेरा वेट गेन हुआ है 2-3 दिन अभी ठीक है, यहाँ पे फिर भी अभी थोड़ा बहुत है यार, आई थिंक मुझे लग रहा कि ठंड की वजह से, ठंडा भाई ना ठंड की वजह से ये पूरा भारी भारी हो गया, फिर भी मैं सर ढक के रहती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे ये पोर्शन में इतनी ज़्यादा, कितना दरवाज़ा बंद करोगे, कितना स्वेटर मफलर पहन के रोगे यार, हर बार नहीं समझ रहा, अभी तो ठंड बढ़े जा रही है ना। एंड जनवरी 3rd देखो न्यू ईयर कहाँ स्टार्ट किया था, जनवरी 3rd ना आज हो गया 3rd जनवरी, ओ गॉड देखो इतनी जल्दी जल्दी 3-3 दिन चला गया साल का। एंड माही है बाहर ऊपर यहाँ पे, एंड एक और चीज़ आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो भी मुझे बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये साल लास्ट साल के एंड में मैंने बोला था। एंड अच्छा ये एरा का और क्या फोन ले ना, हाँ ना फोन बेचारी ये सुबह सोए थे उनको कुछ यहाँ पे काट दिया सुबह, बड़ी तकलीफ में थे, ऐसे ही हमारा साल तो अच्छे से गया, मुझे उसके बाद माइग्रेन आ गया, आई थिंक हम लोग बड़े ज़्यादा खुश हो गए एंड उनको यहाँ पर सुबह उठते साथ कुछ पता नहीं कौन से कीड़ा था आई थिंक काट दिया, अभी ठीक हो गया कुछ नहीं। एंड मेरा ये देखो न्यू ईयर से पहले यहाँ पे ये देख रहे हो ये हाथ ऐसा जल गया है, ये वाला हाथ खाना बनाते टाइम पता नहीं कैसा, एंड मेरे नाखून बड़े ना मुझे अपना हाथ अच्छे लग रहा है, ये देख रहे हो ना कैसे जला हुआ है, एंड ये ठीक ही नहीं हो रहा है, जितना ठीक हो रहा है माही इतना कुचल लेती है ना ये हाथ के ऊपर कि फिर से दोबारा वही का हालत में आ जाता है फिर से इसका। बहुत लोगों का आप में से ना कंप्लेंट रहता है कि मोना आप ना माही को कम दिखाते हो आजकल व्लॉग में, प्लीज़ उसको ज़्यादा दिखाया करो यार, ऐसा नहीं कि मैं उसको दिखाती नहीं हूँ व्लॉग में, वो व्लॉग में इतनी यहाँ पे देखो चेन्नई में हम ही दोनों होते थे तो हमेशा मेरे पास रहती थी, अभी यहाँ पे ना इतने सारे लोग हो जाते हैं ना उसको दादा दादी नाना नानी तो मेरे को भूल ही जाती है जब मन करता है ना मेरे पास आती है, फिर यहाँ पे फिर मैं भी बोलती हूँ चलो चेन्नई में, उसने अभी अकेले रहने में एंड यहाँ पे आने में बहुत डिफरेंस है ना, अभी उसके पास बहुत सारे लोग हैं, इन्जॉय करने दो उसको थोड़ी देर, वो खेल रही है पापा के साथ ये कार्ड्स, ये मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी एंड मैं भी थोड़ा सा इसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि बच्चों को कैसे इसका
कितना देर उनको एंगेज करके रखता है क्या। तो ऐसे 3 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए ना ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिर उनकी जैसे आइस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन आइस कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ हम लोग आजकल क्या करते हैं ना पढ़ाई के लिए, चलो 1 से 30 लिखना, 1 से 40, मतलब सिर्फ बातों बातों में लिखना या फिर एनिमल सिखाना कुछ भी करते हैं ना, उनको ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिकली नहीं बताते, सिर्फ लिखा के उसको ना भर देते दिमाग में, वैसा नहीं करना है। मैंने सोचा हुआ है, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आते हैं शाम के टाइम, यहाँ पे कुछ मेरी मदर इन लॉ स्नैक्स बना रही थी, जो इसको क्या बोलते हैं यार, जैसे टी टाइम स्नैक्स के लिए कुछ इसको स्टोर करके रख सकते हो। इसमें बेसन, थोड़ा सा जो सोडा, बेकिंग सोडा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर इसमें ऐड हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं, नमक इतना इसका इस कंसिस्टेंसी रखना है। एंड इसका जो ऐसे उसको क्या बोलते नहीं पता, ये होता है उसका जिसके अंदर ये बैटर डाल के बनाते हैं वैसा, एंड खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिस्पी लगता है, तेल जब एकदम गर्म होता है ना कड़क सा, उस टाइम में फिर आपको इसको बनाना होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है, आपको पता नहीं। इसको आप लोग चाहो तो बड़ा सा कोई कंटेनर है तो एक एक रख सकते हो, या फिर आप ऐसे छोटे छोटे बना सकते हो, या फिर आप इसको एकदम से निकालने के बाद ऐसे एकदम से क्रंची करके एक डब्बे में भी रख सकते हो, काफ़ी टाइम तक उसको स्टोर हो जाएगा। आप में से ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट था मुझे कि मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी दादी मतलब माही की दादी हमेशा उसको गोदी करके रखती है, बड़ा प्यारा लगता है, तो माही हमेशा उनसे ऐसे गोदी होके रहती है, एंड वो आप कभी भी देखोगे ना वो आपको ऐसे ही दिखेगी। तो फिर चलिए हमारा नाश्ता चाय हो गया, यहाँ पर बहुत जल्दी चाय पी लेते हम लोग 4, 4:30 बजे, एंड यहाँ पर मेरे इन लॉज के यहाँ पर डिनर भी 9, 9:30 बजे तक तो पूरा काम ख़त्म हो के सो भी जाते हैं, तो इतने में ही मैं रखती हूँ, इसके बाद और कुछ नहीं था, ये चले अपना डेली रूटीन काम करने में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा गाइस लाइक शेयर जरूर करना, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।